अब दीनदयाल जी का हम परिचय देखते हैं कि दीनदयाल जी का संक्षिप्त परिचय क्या है। दीनदयाल जी के बारे में कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो लिखा है प्रेमचंद जी की दीनदयाल प्रयाग के छोटे से गांव में रहते हैं। वे किसान नहीं थे पर खेती करते थे। आप देखिए जमींदार नहीं थे लेकिन जमींदारी करते थे और थानेदार नहीं थे पर थानेदारी करते थे। ये जमींदार के मुख्तार थे यानी उनके गांव में प्रत्येक कार्यों में रोल होता था और एक वो रोल अदा करते थे। गांव उनकी एक अलग पहचान थी, एक अलग ही धाक थी। सब लोग उनको सलाम किया करते थे। उनके पास चार चपरासी थे, एक घोड़ा था, कई गाय थी। वेतन के 500 रुपये मिलते थे जो तम्बाकू खर्च के लिए पर्याप्त नहीं थे। मतलब उनके यहाँ इतने लोगों का आना जाना था कि उनको वो पैसे कम पड़ते थे। 3 पुत्र थे, समानुसार मृत्यु प्राप्त हो गए। 3 पुत्री 1 पुत्र थे, 1 पुत्र जालपति और पत्नी मानकी। कहते हैं कि उन्होंने एक बार एक गरीब आदमी को बहुत पटवाया था, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 3 वर्ष में ही उनके 3 पुत्र मर गए। उसके बाद वह शांत स्वभाव के हो गए, किसी को दुखी नहीं करते थे। कहा जाता है कि दूध से जला हुआ छाछ को अपने पीता है। यहाँ दीनदयाल की वास्तविक स्थिति का वर्णन प्रेमचंद जी ने किया है और वो एक बहुत ही सार्वजनिक बात है, बहुत ही शोचनीय बात है, जिसे हम निंदनीय रूप में भी आगे ले सकते हैं कि अपनी दादागिरी के हैं सापसी भाषा में। तो अपनी दादागिरी का परचम इस तरह का उन लोगों ने फेरा रखा था कि कोई आकर उनको कुछ भी नहीं कह सकता था और लगता था मानो उनके अलावा गांव में कोई और उनको डांटने वाला नहीं था। एक व्यक्ति को इतना पटवाया, उसके बाद में उसके बेटे को मिल जाना। यहाँ प्रेमचंद ने हिंसा, किसी का मन दुखाना, किसी को परेशान करना, प्रताड़ना देना और उसका परिणाम सामने आ जाना, इस बात को इंगित करता है कि शायद इससे बड़ा घोर अन्याय करने के बाद में आदमी को क्या फल मिलता है उसका वर्णन किया है। इसलिए दीनदयाल एक राजाशाही, घमंडी, अत्याचारी व्यक्ति और शायद इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आगे चलकर 3 बेटों के मरने के बाद में बेटी जालपा को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शायद हम कहें कि भगवान का तनिक भी डर अगर उनको होता तो वो अत्याचार और अन्याय नहीं करते और इस तरह की समस्याएं के सामने नहीं आती। यानी घर बर्बादी की बात उनके लिए जीवन में गलत साबित नहीं होती।